Yes. So right now my this PPT is on, and we have started a recording also. And let's start with a new chapter, which is. Okay, semiconductor. Semiconductor devices. Have you heard about it earlier? Guys, be interactive. Yeah. Semiconductor. Okay, semiconductor devices. क्या होता है semiconductor? Anyone? Semiconductor क्या होता है? कोई बता सकता है semiconductor क्या होता है? Anyone? आपने 11th में पढ़ाया, I hope so. Guys, good morning. सर एक्चुअली ये वाला चैप्टर हम लोग का पेंडिंग रहेगा था ड्यू टू लॉकडाउन. ओके कंप्लीट नहीं हुआ था. ओके तो कुछ तो कंडक्टिविटी इज नॉट. यस यस गो ऑन शिवानी गो ऑन. Means the conductivity of metal, it is not up to the metal as well as it is not equal to the insulator as well. It is in the conductivity of insulator is this one. Semiconductor is metal as compared to the insulator as well as metal. Okay. Okay. So it is neither a good conductor or not a good insulator. Okay. Okay. Very good. Anyone else? और कोई बोलने वाला है? It's a 16th chapter. Come on, back side से हम start कर रहे हैं. Anyone? Yes. Anyone? Okay. So if you don't want to, I'll just give a small briefing. What is semiconductor? Basically, semiconductor is a device which is showing the property when if I'm increasing a temperature, if I'm increasing a temperature of particular device to which I'm saying a semiconductor, it will behave like a conductor. And if I decrease the temperature at a certain limit or about a certain limit, it will act like a insulator. अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे suppose करो कि there are three boxes, ठीक है? Three boxes हम बात करते हैं. पहला box जो bottom का box है, let's take conductor है. ऊपर का box जो है insulator है. तो बीच का box कौन हुआ? Semiconductor. Clear है? नीचे का बॉक्स अगर कंडक्टर है, ऊपर का बॉक्स अगर इंसुलेटर है, तो बीच का बॉक्स कौन हुआ? सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर कब क्रिएट होता है? सेमीकंडक्टर कोई भी मटेरियल कब बनता है? व्हेन वी आर सेइंग दैट अ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड और अ थर्मल एनर्जी इज बीइंग इंक्रीज्ड इन अ मटेरियल एट अ सर्टन लिमिट सच दैट इट कैन अलाउ टू फ्लो द करेंट दैट बिकम्स अ सेमीकंडक्टर. अगर वो टेम्परेचर डिक्रीज होता है बट एट अ सर्टन लिमिट से भी ज्यादा डिक्रीज होता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर मैंने सेमीकंडक्टर कोई भी डिवाइस जो है वो सेमीकंडक्टर तब बन सकता है. ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं. कोई भी डिवाइस सेमीकंडक्टर तब बन सकता है, लेट्स टेक, जिसकी लिमिट है कि अगर वो उसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है तो वो फ्लो करेगा, और 10 डिग्री सेल्सियस इज द हाईएस्ट लिमिट, 5 डिग्री सेल्सियस इज द लोएस्ट लिमिट. तो 5 डिग्री सेल्सियस पे है तो वो फ्लो करेगा और 10 डिग्री सेल्सियस पे है तो वो फ्लो करेगा. तो अगर 5 डिग्री के ऊपर हो रहा है किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर या थर्मल एनर्जी 5 डिग्री के ऊपर हो रहा है तो वो क्या बन गया? कंडक्टर. अगर किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे हो रहा है तो वो क्या बन गया? इंसुलेटर. और इफ I am talking about the material which is allowing the current continuously, which is a conductor. तो वो क्या हो गया? 10 डिग्री के ऊपर चला गया. So this is just an example I am giving, not talking about specifically semiconductor acting between 5 to 10 degree Celsius. Okay. So that was something semiconductor. Semiconductor आया कहाँ से? तो semiconductor का हमने इन्वेंशन तब किया जब हमारे पास बहुत बड़े बड़े टीवी थे, बहुत बड़े बड़े डिवाइस थे. हमको उनको रिप्लेस करना था इनटू अ वेरी स्मॉलर डिवाइस. हमको नैनो डिवाइस में उनको कन्वर्ट करना था. तो
तो जब हमको नैनो डिवाइस में कन्वर्ट करना था तो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट हो गया था कि हमको एक डिवाइस बनाना है जो ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच वाली टेम्परेचर में भी कंडक्टर जैसा एक्ट करे, एंड दैट्स व्हाई वी केम इनटू मटेरियल व्हिच इज सेमीकंडक्टर। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर से। दिस इज समथिंग व्हाट वी हैव, आजा भाई, हाँ, दिस इज द 12th का पार्ट एंड लेक्चर 1 वी आर टेकिंग फॉर अ सेमीकंडक्टर। द वेरी वेरी फर्स्ट थिंग, लेट्स रिकॉल द थिंग्स व्हाट एवर यू हैव स्टडीड अर्लियर। आई डोंट नो, तो राइट नाउ यू आर टेलिंग कि यू हैव नॉट स्टडीड ओनली, सो देखते हैं क्या क्या पार्ट आ रहा है। सबसे पहला पीएन जंक्शन डायोड क्या है ये, एनीवन पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? गुड मॉर्निंग, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? व्हेन व्हेन पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज फ्यूज्ड विद एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, it is set with a potential barrier between, it is called as junction diode, p-n junction diode. okay, anyone else? aur koi hai, koi bhi kuch bhi bol sakte ho? yes, come on. okay, so p-n junction diode kya hai? सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि डायोड क्या है। डायोड क्या होता है, एनीवन? कोई है जिसको पता है व्हाट इज डायोड? यस, एनीवन? एनीवन कैन रिप्लाई, डायोड क्या होता है? गुड मॉर्निंग सर, उसका डायरेक्शन एक ही साइड में होता है, लाइक व्हाट इज डायोड? करंट का फ्लो जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। ओके, सो वी कैन से कि एक ये ऐसा डिवाइस है जो करंट को अलाउ करता है कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो जाओ, ठीक है? यस, ठीक है, इट अलाउज द करंट टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, बैक साइड नहीं आने का, रिटर्न नहीं आने का, एक बार जाने का तो रिटर्न नहीं आने का, दैट इज समथिंग व्हाट वी सी एज डायोड। अभी अगर मुझे डायोड को पहचानना है, ठीक है, अगर मुझे डायोड को पहचानना है तो किधर मिलता है डायोड? एनीवन, कोई बता सकता है कहां मिलता है डायोड, कहां दिखता है डायोड, डायोड कैसा दिखता है? किसी के पास आइडिया है, कोई भी, डायोड किधर दिखता है, कैसा होता है? यस, एनीवन? सर डायोड बहुत सारे डिवाइसेस, जैसे दिस सर कंप्यूटर के अपना क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड के। कैन वी टेक द आंसर्स वन बाय वन? यस Yes, come on. सर मदरबोर्ड में लगा होता है कंप्यूटर, कहाँ लगा होता है, कहाँ लगा होता है, मुझे बताओ कहाँ लगा होता है, कैसा दिखता है, कहाँ लगा होता है, कैसा पिन टाइप होता है, मतलब कुछ उसका पिन टाइप होता है? एनीवन एल्स? अभी किसी के पास है क्या, दिखा सकता है क्या कोई वीडियो ऑन करके डायोड? अभी किसी के पास है? यस, एनीवन? आप दिखा सकते हो, आपके घर में है डायोड, आप दिखा भी सकते हो अभी, कोई बताएगा? यस, एनीवन? कोई है ऐसा जो बता सकता है? कहाँ पे? सर सेल के उधर, सेल के यहाँ पे हम लोग सेल, उसके नीचे शायद से सर फिट रहे।
हाँ जिधर सेल लगाते सर उसके नीचे के आजू बाजू कुछ रहता है। ओके ओके अ वेरी गुड एग्जांपल आई कैन गिव यू लाइक टीवी का रिमोट पता है टीवी का रिमोट हेलो यस गाइज इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट दैट प्लीज रिप्लाई टीवी का रिमोट आपको पता है टीवी के रिमोट से एक लेजर लाइट निकलती है ये पता है जिस डिवाइस से निकलती है वो डायोड ही है ठीक है हेलो सर वो लाइट वाला पार्ट क्या हाँ 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 जिस डिवाइस से निकल जिस डिवाइस से निकलती है ना ऐसे रिमोट ऐसे करते हो राइट तो रिमोट से एक लाइट निकलती है लेजर लाइट बराबर है जो टीवी सेंस कर लेता है यस सर व्हिच वी कांट सी हाँ तो लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ रिमोट के एकदम आगे देखो एक डिवाइस लगा होता है दैट इज डायोड ठीक है अंडरस्टूड अरे कुछ तो बोलो भाई ओके ओके हाँ कोई तो कुछ बोल रहा था यस यस बोलो सर डायोड एक्चुअली वर्क कैसे कर डायोड वर्क कैसे करता है आर यू आस्किंग डायोड वर्क कैसे करता है डायोड सिंपली इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड उसके दो टर्मिनल होते हैं दैट्स व्हाई इट इज डायोड डाय मींस टू ओड इज इलेक्ट्रोड सो व्हाई वी यूज इट We use so such that we need that current should flow in one single direction. It should not reverse back. ठीक है अभी टीवी के रिमोट से हम लाइट वो टीवी ऑन करते हैं तो इसका मतलब क्या है टीवी का रिमोट लाइट से उधर से भी रिटर्न आता है क्या अरे एवरी वन समझा डायोड क्या होता है चले आगे ये सब तो रिकॉल कर रहे हैं सब तो पहले ही पढ़ा है हमने ओके सो पीएन जंक्शन डायोड बेसिकली यहाँ पे पी टाइप का डायोड है और एन टाइप का देयर आर पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम मिलाते हैं तो इट बिकम्स अ डायोड व्हिच इज सेड टू बी एज अ पीएन जंक्शन डायोड ठीक है अब क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली मिला देते हैं वो आपको पता है वो कॉन्सेप्ट आपने 11th में पढ़ा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम एन टाइप सॉरी ड्यू टू द नेटवर्क इश्यू सम हो गया गड़बड़ यस स्क्रीन दिख रहा है बच्चा लोग एवरीवन यस सर ओके सो पीएन जंक्शन डायोड क्या है पीएन जंक्शन डायोड में पी टाइप सेमीकंडक्टर इज क्लब्ड विद एन टाइप सेमीकंडक्टर ठीक है एट दैट टाइम व्हाटएवर द डायोड गेट क्रिएटेड दैट इज सेड टू बी एज अ पीएन जंक्शन डायोड पीएन फिर पीएन डायोड क्यों नहीं बोल देते इसको पीएन जंक्शन डायोड क्यों बोलते हैं क्योंकि पी आया और एन आया तो इधर बीच में एक लाइन आ गई ये जंक्शन हो गया ठीक है दो ट्रेन मिल गई एक दूसरे को तो ये क्या हो गया दो ट्रेन मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं जंक्शन भुसावल में कौन कौन सी ट्रेन आके मिल जाती है एक यूपी से आई एक महाराष्ट्र से आई तो आके मिली तो दैट इज योर जंक्शन सो पी एन जंक्शन डायोड हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को क्या कर रहे हैं मर्ज कर रहे हैं हाउ इट इज मर्जिंग विल सी इट फर्दर चलो तो आगे देखते हैं क्या है भाई आगे ओके तो ये क्या बोलता है देखो अभी क्या बोलता है फॉर्म्ड व्हेन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फ्यूज्ड टू एन एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिएटिंग अ पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज अक्रॉस द डायोड जंक्शन ठीक है तो अभी इन्होंने क्या बोल दिया कि पी टाइप सेमीकंडक्टर तुम्हारा किसके साथ फ्यूज हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर के पास तो जब एन टाइप और पी टाइप फ्यूज होते हैं तो क्या होता है देखते हैं आई विल ट्राई टू बट ये बहुत ही बैड आइडिया है ड्रॉ करने का मैंने सपोज करो कि ये जो है
ये मैंने दो टाइप ले लिया, ये मेरा पी हो गया, चलो ये मेरा पी हो गया एंड दिस इज माय एन, तो ये मेरा जंक्शन हो गया, ये वाला पोर्शन जो है भाई, एक मिनट इरेज, तो ये वाला पार्ट जो है मेरा, ये वाला पोर्शन जो है ये मेरा क्या है, जंक्शन। अब पोटेंशियल बैरियर का मतलब क्या है, देखो अभी पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब है पी टाइप में ज्यादा कौन होता है, प्लस। प्लस को क्या बोलते हैं, एनीवन कोई बोल सकता है क्या बोलते हैं प्लस को, ये प्लस, वेरी गुड। हो अपन जिस स्पीड से जा रहे हैं उस स्पीड से तो लगता है 3-4 दिन लगेंगे खत्म होने। ओके नाउ यू आर एबल टू सी सर। ओके तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, जो मैं बोल, जो मैं लिया था अभी एग्जांपल कि यहाँ पर जो है वो तुम्हारा है पी टाइप और यहाँ पे जो है वो तुम्हारा है एन टाइप। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा होते हैं प्लस का साइन, प्लस का साइन को क्या बोलते हैं, किसी ने बोला था अभी कौन, क्या था प्लस का साइन, होल्स, वेरी गुड। और माइनस का साइन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। अभी प्लस जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये सुना होगा तुमने पहले, पी में प्लस मींस होल्स आर पॉजिटिव व्हिच इज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, एन में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मतलब क्या हुआ सारे ज्यादा से ज्यादा चार्जेस कौन कैरी करता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन करता है और यहाँ पे होल करता है। अब मुझे बताओ कि जब मैं पॉजिटिव को नेगेटिव के पास में लाके खड़ा कर दूंगा तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक नंबर, वेरी गुड, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वो अट्रैक्ट करते 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 एक ऐसी दीवार बन जाएगी यहाँ पर, बराबर, एक ऐसी दीवार बन जाएगी, ये चल ही रहा है अभी, ये ऐसे थोड़ा सा और बढ़ेगा, थोड़ा सा और बढ़ेगा करके ऐसी दीवार बनती जाएगी, बराबर। अब इसके बीच में जब ये ट्रांसफर हो रहा है, जब ये मोशन हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ से होल जा रहा है, जब ये मोशन होता है तब वहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है विच इज योर पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज। समझ में आया क्या? यस। चलो वेरी गुड, तो अब आगे चलते हैं। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं अभी, पीएन जंक्शन डायोड तो तुमको समझ में आ गया, अभी नेक्स्ट है, अरे चल भाई, अरे बाप रे, भागो। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज कोई बता सकता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, एनीवन बोलो, बोलो। नहीं पता, नहीं पता, और किसी को पता है, चलो एक ने बोला नहीं पता, और कोई पता है जिसको, ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज, नेम सजेस्ट समथिंग, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, तो कुछ ब्रेक कर रहा होगा, एक नंबर, वेरी गुड, ब्रेक होगा, ये कौन लिख रहा है स्क्रीन पे, वेरी बैड हैबिट, ऐसे बिल्कुल मत लिखते जाओ, ठीक है, अदरवाइज आई विल स्टॉप फ्रॉम योर माय साइड, ठीक है, डोंट डू दैट। चलो ब्रेकडाउन वोल्टेज कुछ तो ब्रेक करता होगा, वेरी गुड, और कोई है जो बोल सकता है कुछ और, ब्रेक करता होगा, ब्रेक डाउन वोल्टेज, कम ऑन कम ऑन, आई नीड द आंसर, कुछ तो बोलो, सी रॉन्ग बोलो, कनेक्शन का मतलब ऐसा कनेक्शन फ्लो हो रहा है उसको ब्रेक डाउन कर दे ऐसा, और कुछ, ओके ओके, और कुछ है, और कुछ किसी के पास है आंसर, ब्रेक डाउन वोल्टेज कनेक्शन हो रहा है उसको ब्रेक कर दिया है, और किसी के पास कुछ है, बोलो 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 बोलो, कौन है वो, बोलो जल्दी बोलो फटाफट, कम ऑन, ब्रेक डाउन क्या होता है, कुछ तो बोल दो भाई, पैसा लग रहा है क्या,
हाँ कोई तो बोल रहा था, यस यस समवन वाज टेलिंग करंट डिक्रीज होता होगा उसमें. वंस अगेन नहीं नहीं नॉट अ प्रॉब्लम, गलत होता है तो भी चलेगा, बट बोलने का कम ऑन जल्दी जल्दी जल्दी. कोई है ऐसा? अरे तुम्हारे पास बुक नहीं है क्या? तुम लोग पास बुक है ना? तुम लोग के पास बुक है क्या? वो दूसरी बात है कि दिया नहीं है उसमें, लेकिन बुक है क्या तुम्हारे पास? हाँ सर है. यस सर. हाँ बुक है तो चलो बुक में, बुक ही से कम बता दो यार. है किसी के पास कुछ आइडिया? चलो छोड़ो जाने दो, सुन लो अभी. रिवर्स वोल्टेज वैसा. गूगल किया गूगल किया गूगल किया. चल देख. नाइस. ओके ठीक 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 चलो सुन लो. वीआई कैरेक्टरिस्टिक सुना है? वीआई कैरेक्टरिस्टिक. हेलो. नहीं सर. अच्छा वीआई कैरेक्टरिस्टिक भी नहीं सुना है. ओके ठीक है सुनो. करंट क्या होता है देखो. अभी यहां से मैंने धीरे धीरे करंट किया, शूट अप हो गया. यहां से धीरे धीरे करंट किया, ड्रॉप हो गया. अभी देख ये वैल्यू जो है ना वो तेरा क्या है? जीरो वैल्यू है. समझ में आया? ये वैल्यू क्या है? जीरो वैल्यू है. अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये वाला जो एक्सिस है ना, ये वाला आ रहा है समझ में? ये जो दिख रहा है हॉरिजॉन्टल में, ठीक है हॉरिजॉन्टल में दिख रहा है. ये हॉरिजॉन्टल की जो लाइन है ना, वो हॉरिजॉन्टल की लाइन रिप्रेजेंट करती है वोल्टेज. समझ में आया? आया क्या कुछ? yes, आया कुछ? अच्छा और ये वाला रिप्रेजेंट करता है आई, ठीक है. अब ये ये लाइन के लेफ्ट साइड वाला पोर्शन रिप्रेजेंट करता है रिवर्स. अब रिवर्स का क्या होता है मतलब, वो मैं बाद में बताऊंगा, पता भी होगा तुमको. और इसका मतलब होता है फॉरवर्ड. एक सिंपल सा लॉजिक समझ लो कि फॉरवर्ड का मतलब होता है कि डिवाइस के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है. रिवर्स में क्या होता है कि डिवाइस में करंट जो है वो आउटपुट में फ्लो नहीं हो रहा है. आया समझ में? आउटपुट में फ्लो नहीं हो रहा है. अभी देखो यहाँ पे ये मैंने लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बना दी है, बट एक्चुअली वो स्ट्रेट होती है ऐसे करके, फिर ऐसे चली जाती है. तो ये जो पोर्शन है ना यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे देखो क्या हुआ. करंट करंट बढ़ता जा रहा है बट वोल्टेज इंक्रीज नहीं हो रही है. आ रहा है समझ में? दिख रहा है? दिख तो ही रहा ही होगा एटलीस्ट. ये करंट का लाइन है, ये वोल्टेज का लाइन है. ये लाइन जो है वो स्ट्रेट चली आ रही है ऊपर. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? करंट इंक्रीज हो रहा है लेकिन वोल्टेज इंक्रीज नहीं हो रहा है. आया समझ में? जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक पतीले के अंदर ना पानी रख दो, ठीक है. एक पतीले के अंदर पानी रख दो और उस पानी को गर्म करो. जैसे ही गर्म करना शुरू करते हो वैसे ही बुलबुले आ जाते हैं क्या? नहीं सर. नहीं आते. नहीं. एक टाइम आता है जब बुलबुले शुरू होंगे. बराबर? बराबर. ओके ओके ओके. तो वो समझ. अब उसको थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्म से समझो कि ये मैंने तब पतीले को गर्म करना शुरू किया, गर्म करना शुरू किया, शुरू किया, शुरू किया, शुरू किया. ये पॉइंट आने के बाद ना, इधर पॉइंट आने के बाद, ये पॉइंट आने के बाद उस क्या हुआ कि उस पानी के अंदर से भाप निकलने लगा. भाप निकलना और बुलबुले आना में थोड़ा टाइम डिफरेंस होता है, पता है? हेलो. तो इधर से हाँ, तो इधर से क्या हुआ? भाप निकलने लगा. भाप निकलते 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 ये पॉइंट आया जहां पर अब बुलबुले शुरू हुए. यहाँ पे बुलबुले शुरू हुए. बुलबुले शुरू 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 एक पॉइंट आया जहां पर बुलबुले खत्म होके डायरेक्ट सूखा पड़ गया पूरा.
समझ में आया, ये सूखा पड़ गया, सूखा सूखा सूखा, समझा? तो ये मैंने तुमको जो है वो वाटर की प्रॉपर्टी के हिसाब से बताया, बट कंडक्टर में भी या सेमीकंडक्टर में भी ऐसा ही होता है। मैंने अच्छा मैं हम जब लाइट चालू करते, पहले का जो लाइट था, पहले का ट्यूबलाइट जो था, जिसके पास चौक था, चौक ठीक है, अभी वाला नहीं, अभी वाला तो फटाक से जैसे चालू करते वैसे चालू हो जाता है। पहले वाला जो लाइट था वो क्या होता था, चालू होता था तो एंड साइड पे, दोनों एंड साइड पे पहले लाल होते थे और फिर पूरी लाइट चालू होती थी, बराबर? हाँ सर, ऐसा देखा है ना? हाँ हाँ। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो धीरे 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 गर्म होता है और फिर उसके बाद उस ट्यूबलाइट के एंड को लाल करता है और फिर उसका सडनली लाइट दे देता है। आया समझ में? तो ये जो पॉइंट है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, जहां से वो अपना एक पॉइंट से, एक फेज से बेसिकली दूसरे फेज में एंट्री मारता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिस जहां से वो अपनी वोल्टेज को चेंज करना शुरू करता है। यहाँ पे वोल्टेज चेंज हुआ था क्या यहाँ पे? हाँ, तो जहां से उसने वोल्टेज चेंज करना शुरू किया उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो लेट्स अंडरस्टैंड की क्या है विद अ थियरी। चलो, अ मिनिमम रिवर्स वोल्टेज दैट मेक्स द डायोड कंडक्ट अप्रिशिएबली इन रिवर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, फिर से हम डायग्राम में देख लेते हैं। ये जो हमने डायग्राम बनाया था, ये डायग्राम ऐसे करके ऐसे चला गया, ये कौन सा साइड था, ये रिवर्स का साइड था ना? यस सर। अब मिनिमम वोल्टेज इसके बाद से, ये कौन सी लाइन है, ये वोल्टेज की लाइन है और ये कौन सी लाइन है, करंट की लाइन है, बराबर? करंट। तो जहां से शुरू हुआ ये तो मिनिमम पॉइंट ही है ना, आ रहे समझ में? ये तो मिनिमम वोल्टेज है ना, मिनिमम रिवर्स वोल्टेज। रिवर्स क्यों, क्योंकि रिवर्स साइड में, दैट मेक्स द डायोड कंडक्ट अप्रिशिएबली। इसके बाद से क्या होगा कि डायोड रन करना शुरू कर देगा, बराबर है? तो कंडक्ट अप्रिशिएबली इन रिवर्स, एंड दैट इज समथिंग विच इज वॉट, ब्रेक डाउन वोल्टेज। आई होप यू अंडरस्टूड यू ऑल। पता नहीं अंडरस्टूड हुआ क्या? ओके, वेरी गुड, मजा आ गया भाई। चलो आगे चलते, नेक्स्ट, नी वोल्टेज क्या होता है ये, किसी को कुछ भी पता है तो बोलो। नी वोल्टेज, जो वोल्टेज नी में आता है सर, so voltage when the current rises sharply, something like this was. Okay, that was a smart answer. Anyone else? Anyone else? Come on, कोई तो और बोल दे, कोई है? The current which flows in forward direction, sir. आगे क्या है? The current which flows in forward direction. Forward, sir. Forward. ओके, शायद से, वेरी गुड। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे जब हमने चालू किया ऐसे किया तो ये जहां से ऊपर गया ये कौन हो गया, नी वोल्टेज हो गया। समझ में आया क्या? ओ खबर पड़ से, तुमने खबर पड़ से सू चाले। हेलो, ये पॉइंट है जहां से फॉरवर्ड वोल्टेज एंड फ्लो ऑफ अ करंट इज राइजिंग शार्पली। समझ में आया? अरे कुछ हो बुझाया? हाँ हाँ यस। चलो हाँ सर, आप चला चला, बुझा था वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो लेट्स हैव अ लुक कि व्हाट इज नी वोल्टेज। A forward voltage at which the flow of a current during PN junction begins rising, increasing quickly. समझ में आया सबको ये? I hope समझ में आया होगा, ये तो पुराना ही चल रहा था, ये सब recall ही चल रहा है। ठीक है, चलो next चलते हैं। हाँ सर, समझा सर। Very good. चलो तो next आया forward bias diode. अब forward bias diode में देख लेते हैं फटाफट। फॉरवर्ड बायस डायोड क्या होता है, किसी को पता है क्या फॉरवर्ड बायस डायोड क्या होता है?
कोई बोल देगा क्या? अरे यार गड़बड़ हो रहा है. हाँ बोलो 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 बोलो. Means in the PN type of diode, we are adding this electric circuit. In the P type, we are adding the positive terminal of the circuit, while on the N side of this conductor, we are adding this negative terminal of this. Okay, so usse hota kya hai? The electron side, electrons start traveling towards the positive terminal and the negative side, this. चलो ठीक है, इतना भी बोला बहुत हो गया, बहुत है, मजा आ गया. और कोई है? और कोई है कि सिर्फ सौम्या बोलेगी? शिवानी. ओके, आई एम सॉरी शिवानी. आप लोग सब अपना वीडियो ऑन नहीं करते हो ना, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है. अच्छा शिवानी ने बोल दिया. ओके चलो, खुशी बोलो, नीतू बोलो, दीपाली बोलो, राहुल बोलो, तरुण बोलो, सूरज वेटिंग रूम से ही बोलो, राज बोलो, आदर्श बोलो, कोई तो बोलो. और कुछ फॉरवर्ड बायस डायोड क्या होता है? माइंड गेम्स बोलो. भवन, भावना बोलो, निखिल बोलो, यस कम ऑन, नम्रता बोलो, दीप कम ऑन से समथिंग, स्नेहा या गो ऑन गो ऑन. Go on. Okay. Hello. Go on. So because of that arrangement, जो electrons सब p जो electron जो holes थे terminal p terminal इस p type में electrons जो move होते हैं maybe n type and forward bias diode. एक-एक करके बोल दो. The electron which are present in the N type, they feel more easier to cross the potential barrier. Okay. And thus they contribute for the electricity. Okay. और कोई तो था अभी बीच में बोला था, वो कौन है बोलो. Yes, come on, बोलो, थोड़ा सा बोल दो कुछ भी. चलो ठीक है. Forward bias diode क्या होता है? तो it is moving in a forward direction. एंड सब बता दूंगा तो ये सामने ही दिखने वो दिखा के कुछ मतलब नहीं, बट फॉरवर्ड बायस डायोड इज समथिंग विच इज, मैंने अभी ड्रॉइंग में आपको बताया था कि रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस, दैट आई विल बी डिस्कसिंग. ये जब हम ड्रॉ कर रहे थे वीआई कैरेक्टरिस्टिक, तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक में ये जो रीजन था ये था फॉरवर्ड बायस. तो हम देखते हैं कि वॉट इज फॉरवर्ड बायस एंड देन वील गो विथ इट. Say forward bias क्या होता है? See, the PN junction diode allows the electric current in the presence of applied voltage. Positive terminal is connected to P type and negative terminal is connected to N type. ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा when you will see a diagram. ये हो गया बहुत अच्छा सा diagram. चलो अब कितने लोगों ने इस diagram को पहले देखा है? Please thumbs up. आपके जूम में आप ऑप्शन है कि आप थम्स अप कर सकते हो. आपने ये पहले डायग्राम कितने लोगों ने देखा है? पुट अ थम्स अप. कोई नहीं देखा. ओके वेरी गुड. आया एक आया. और कोई है जिसने देखा है? अमृत चौधरी ने देखा है. सूरज राजभर इज moving out every now and then because of net. Okay, chalo, to let's have a look ki ho kya raha hai, kya hai kya ye sab. Dekho, p type semiconductor is connected to a positive terminal which is a forward bias ke liye characteristic hai ki p type jo hai wo positive terminal ko connect hona chahiye aur n type jo hai wo negative terminal ko connect hona chahiye. N type ke paas electrons hote hain aur positive terminal p type ke paas jo hai wo holes hote hain. To holes jo hai wo electron ki taraf jate hain aur electron jo hai wo होल्स की तरफ आते हैं, तो वहां पर एक बैंड गैप बनता है विच इज वी कैन से एज एन अ पोटेंशियल बैरियर विच इज जो उसकी विड्थ को हम डिप्लीशन विड्थ बोलते हैं. एंड व्हेन द फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीजेस द डिप्लीशन विड्थ कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. अब डिप्लीशन विड्थ जो है वो इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एट अ सर्टेन लिमिट, उसके बाद जो है वो टूट जाता है और ब्रेक होने के बाद सब कुछ आराम से फ्लो होने लगता है. And can you tell anyone that what is the voltage at which it gets braked? कोई बता सकता है कि कितने voltage पे वो break हो जाता है? ये जो region है
मैं इसकी बात कर रहा हूँ. आई टेक दिस. आजा भाई, ये जो रीजन है, दिस रीजन, व्हाट इज द वोल्टेज एट विच इट गेट्स ब्रेक्ड? कोई बता सकता है इस रीजन के बारे में? ये रीजन कितने वोल्टेज पे ब्रेक हो जाता है? सर वो तो फिर मेटल पे भी ऐसा डिपेंड कर जाएगा ना सर. वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ, बोलो बोलो बोलो. अरे मुझे एक या दो ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए. मैं तुमको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थोड़ी बना रहा हूँ. सिलिकॉन में 0.7 और जर्मेनियम में 0.3. वेरी गुड, वेरी गुड. तो 0.7 वोल्ट जो है वो यूज होता है इन द केस ऑफ सिलिकॉन एज वेल एज इन द जर्मेनियम इट इज 0.3. ओके, सो हियर दैट गेट्स ब्रेक. तो ये आपको पता है एंड दैट इज समथिंग विच इज अ फॉरवर्ड बायसिंग. फॉरवर्ड बायसिंग में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है. क्या याद रखनी है? कि फॉरवर्ड बायस में पी टाइप जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट होता है और एन टाइप जो है नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट होता है. और एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो होल्स की तरफ जाते हैं और होल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ आते हैं. तो यहाँ पे एक दीवार बन जाती है. उस दीवार को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर. और उसकी विड्थ को हम बोलते हैं डिप्लीशन विड्थ. उस रीजन को हम डिप्लीशन रीजन भी बोलते हैं. मेनी मोर थिंग्स लाइक दैट. ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक फॉरवर्ड. अब आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट. आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू ऑल पीपल. नेक्स्ट आते हैं रिवर्स बायस. रिवर्स बायस क्या होता होगा सर? रिवर्स बायस का वाइस वर्सा होता है एकदम. मतलब पॉजिटिव टर्मिनल एन टाइप को कनेक्ट होता है और नेगेटिव वाला पी टाइप को कनेक्ट होता है ऐसा. वेरी गुड. एन टाइप को कनेक्ट होता है और पी टाइप को कनेक्ट. तो मैं कुछ पूछ रहा हूँ कि रिवर्स बायस कंडीशन में करंट फ्लो होता है क्या? रिवर्स बायस कंडीशन में करंट फ्लो होता है क्या? नो. आई थिंक नो. नो सर. No. सोच के बोलना. नहीं होता सर. क्यों नहीं होता? Because n type के साइड में पॉजिटिव टर्मिनल अटैच्ड और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल. एज अ रिजल्ट वो इलेक्ट्रॉन और होल्स का ये फ्लो नहीं होते जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती. ओके, और कुछ? और कुछ? एनीवन एल्स? सर रिवर्स बायस का क्या बोलते हैं? वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है इसलिए. रिवर्स बायस का वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है इसलिए. और कुछ? एनीवन एल्स? और कुछ है किसी के पास? अच्छा, तो रिवर्स बायस यस, आप लोग बहुत करेक्ट हो कि रिवर्स बायस जो है वो नहीं करता है. ठीक है, फ्लो करंट नहीं करता है. लेकिन एक कंडीशन है जिसमें वो फ्लो करता है. कोई बता सकता है ये कौन सी कंडीशन हो सकती है? Yes, anyone? कोई ऐसी कंडीशन कोई बता सकता है जिसमें लगे कि यस हो सकती है? सर माइक्रो एम्पियर का मतलब जैसे वैसा कुछ करने का रहेगा तब हो सकता है शायद से. और कुछ? और कुछ? ओके, चलो देखते हैं. नॉट अ प्रॉब्लम. पीएन जंक्शन डायोड ब्लॉक्स द इलेक्ट्रिक करंट इन द प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड वोल्टेज. जो आप लोग ने बोला वो बहुत करेक्ट था. पॉजिटिव टर्मिनल एन टाइप को कनेक्ट होता है, नेगेटिव टर्मिनल पी टाइप को कनेक्ट होता है. आगे देखते हैं. अब मैं जो बोलूंगा वो सुन लो. पी टाइप कनेक्ट हो गया नेगेटिव टर्मिनल को, एन टाइप हो गया पॉजिटिव टर्मिनल को. इधर तक ठीक है? हाँ सर. ओके, अब देख लो. एन टाइप के पास थे इलेक्ट्रॉन्स. आ गया. हाँ, एन टाइप के पास थे इलेक्ट्रॉन्स और पी टाइप के पास थे होल्स. ठीक है, तो एज ये दोनों बाजू बाजू में थे, तो ड्यू टू दी थर्मल एनर्जी,
थर्मल एनर्जी का मतलब बेसिकली रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे देर दिस फ्यूजिंग हैपेंस, फ्यूज हुआ तो व्हाट विल हैपन, देर विल बी अ डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो गया, ठीक है, डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो गया, वेरी गुड, मजा आ गया। अब पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है तो इधर से पॉजिटिव टर्मिनल है तो इधर से कौन जाएगा ऊपर, कोई बता सकता है इधर से कौन जा रहा है ऊपर? यस, कोई बता सकता है यहाँ से क्या जाएगा ऊपर? करंट ही फ्लो होगा सर शायद से। करंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूछ रहा हूँ इलेक्ट्रॉन जाएगा कि होल जाएगा? होल जाएगा सर, आई थिंक। हाँ सर होल जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स के पास तो होल्स ही जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स के पास होल्स जाएंगे, चलो तो थोड़ा सा पीछे आते हैं और अब देखते हैं इधर, देखते हैं इधर क्या था, इधर पॉजिटिव था तो इधर क्या गया? पॉजिटिव इधर क्या गया, इधर पॉजिटिव गया, होल्स गए, होल्स, हाँ होल्स यहाँ से गए, हाँ। यहाँ से होल्स गए तो क्या हुआ, यहाँ के होल्स जो है, अच्छा मैं अगर बोलूं कि मैग्नेट में, हम मैग्नेट में लेते हैं कि अगर साउथ पोल को साउथ पोल से चिपकाएंगे तो चिपकेगा क्या? रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो यहाँ से जो कहाँ गया हाँ यहाँ से जो होल्स अंदर घुसे वो क्या किए, ये होल्स को क्या किया, धक्का मारा, बराबर? अरे हाँ कि ना, हाँ हाँ, ये होल्स को धक्का मारा, जब ये होल्स को धक्का मारा तो ये होल्स ने उधर के साथ में कंबाइन किया। चलो अब पीछे देखते हैं, वापस इधर आते हैं। अब देखो यहाँ पे तुम बोलते हो कि होल्स यहाँ पर आके ये इधर पहुंच गया, जब ये होल्स यहाँ पर पहुंच गया तो ये तो यहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है, बराबर? हेलो, हाँ सर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन क्या है, वो इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे, जब अट्रैक्ट हो जाएंगे तो यहाँ का वोल्टेज जो है वो बढ़ जाएगा, सिमिलरली यहाँ का वोल्टेज जो है वो बढ़ जाएगा, एट द सेम टाइम ये विड्थ जो है, क्योंकि यहाँ के जो होल्स हैं उनको भी ये क्या कर रहा है, खींच रहा है ना, यहाँ पे तुम्हारे होल्स थे जो इलेक्ट्रॉन्स के साथ मर्ज होने वाले थे, बट यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो है वो बढ़ती चली गई, सिमिलरली यहाँ पर भी वोल्टेज बढ़ती चली गई, जस्ट इसकी वोल्टेज बढ़, ये दोनों की वोल्टेज बढ़ने की वजह से ये विड्थ जो है वो बढ़ता चला गया, ये विड्थ बढ़ता चला गया, तो एक टाइम आएगा जहां पे ये विड्थ जो है वो टूटेगा, ठीक है, एक टाइम आएगा जहां पे ये विड्थ क्या है वो ब्रेक होगा, और जैसे ही ब्रेक होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, फ्लो इजी हो जाएगा, डायोड खराब हो जाएगा। आ रहा है समझ में? समझ में आया? हेलो हेलो, तुम एटलीस्ट एक काम करो, चैट पे रिप्लाई करते जाओ भाई, ठीक है, अगर तुमको समझ में आया है तो ठीक है, नहीं बोल सकते हो तो चैट पे रिप्लाई कर लो। सो दैट इज समथिंग विद, हाँ बोल, मतलब बस सर, हाँ यही वाला पार्ट सर, आप फिर से बताऊं हाँ सर, चल सुन ले वापस से, यहाँ से कौन गया, होल गया, होल आके इधर आके खड़ा हो गया, भाई मैं खड़ा हूँ तुम लोग आना है कि नहीं आना है, तो ये लोग को पूछ लिया कि तुम लोग को आना है कि नहीं आना है, किसको पूछा उसने, इसको पूछा ये लोग को कि तुम लोग को आना है कि नहीं आना है, तो ये लोग ने बोला नहीं नहीं हमको आना है, आना है आना है, तो सब लोग आते आते क्या इधर गर्दी कर दिया, बहुत ज्यादा बड़ा गर्दी कर दिया, जब इधर गर्दी कर दिया तो मतलब क्या हुआ, वोल्टेज बढ़ गया, बराबर है, वोल्टेज क्या हो गया, बढ़ गया, सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ, वोल्टेज बढ़ गया, जब यहाँ पे वोल्टेज बढ़ गया इसका मतलब क्या हुआ, ये विड्थ जो है वो बढ़ती चली गई, और बढ़ती चली गई तो एक टाइम आएगा जहाँ पे ये विड्थ जो है वो ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, ये विड्थ क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और जैसे ये विड्थ ब्रेक होगी पूरा सिस्टम खराब हो गया और वो फटफट चलने लग गए, ठीक है। अब सुनो, अब जो यहाँ पे वोल्टेज जनरेट हुआ था ना, यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट हुआ था, तो जब वोल्टेज जनरेट हुआ है तो करंट भी जनरेट हुआ होगा,
हाँ कि ना। अरे हाँ ना बोलो। हाँ सर। वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर जो वोल्टेज जनरेट हुआ है तो करंट भी जनरेट हुआ और उस करंट को हम बोलते हैं लीकेज करंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लीकेज करंट। और यहाँ पे जो दीवार टूटी थी उस दीवार टूटने की वजह से उसको हम ब्रेक डाउन वोल्टेज भी बोलते हैं। हाँ ना बोलो, समझा? Yes, sir. अगर नहीं समझेगा ना, लास्ट में मैंने क्विज रखा है, जिसको जिसको नहीं आया उसको घूसा मार दूंगा मैं डायरेक्ट। ठीक है, इसी में से आऊंगा, इसी में से घूसा मारूंगा, ऐसे करके डायरेक्ट ऐसे ऐसे घूसा मारूंगा। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। आ गए ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिंपल रेक्टिफायर। रेक्टिफायर कितने लोग को मालूम है क्या होता है रेक्टिफायर? रेक्टिफायर क्या होता है? कुछ रेक्टिफाई करने वाला, मतलब सब प्यूरीफाई करने वाला समझिए। वेरी गुड, जैसे प्यूरीफायर वैसे रेक्टिफायर। वेरी गुड, और कोई है? कुछ कन्वर्ट एसी वोल्टेज टू डीसी वोल्टेज। वेरी गुड सौम्या, दैट्स ग्रेट। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? एनीवन नोज एनीथिंग अबाउट रेक्टिफायर? रेक्टिफायर क्या होता है? ओके चलो मैं बोल देता हूँ। ये तरुण तो कुछ बोल ही नहीं रहा यार, पता नहीं क्या है, बैठा है या फिर सो गया। ओके सो रेक्टिफायर बेसिकली क्या है? रेक्टिफायर जो है वो इट्स अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स योर एसी टू डीसी। ऑल्टरनेटिंग करंट को वो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। क्या बोलते हैं यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिकल डिवाइस कन्वर्टिंग ऑल्टरनेटिंग करंट विच पीरियोडिकली रिवर्स डायरेक्शंस टू डायरेक्ट करंट विच फ्लोस इन वन डायरेक्शन। अब इसमें सब कुछ समझ में आया मुझे, लेकिन ये नहीं समझ में आया सर ये आपने क्या लिखा है। तो इसका, वेरी गुड, तो इसका मतलब क्या है? देखो ऐसे एसी कैसे चलता है? एसी ऐसे 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 चलता है। जब एसी ऐसे चलता है तो ये वाला रीजन क्या हुआ? फॉरवर्ड डायरेक्शन हुआ। ये वाला रीजन क्या हुआ? रिवर्स डायरेक्शन हुआ। इसलिए ये पीरियोडिकली रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, एक अल्टरनेटिंगली, एक बार फॉरवर्ड में जा रहा है, एक बार रिवर्स में जा रहा है, एक बार फॉरवर्ड जा रहा है, रिवर्स जा रहा है। समझ में आया? तो अल्टरनेटिंग क्या है? विच इज पीरियोडिकली रिवर्स डायरेक्शन टू डायरेक्ट करंट विच फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन। डायरेक्ट करंट का मतलब तो स्ट्रेट ही है, ठीक है? डायरेक्ट करंट क्या है? डायरेक्ट करंट तो प्लेन डायरेक्शन है, तो वो सिंपली मूव करेगा, तो दैट इज ओनली इन वन डायरेक्शन, एंड दैट इज समथिंग विच इज इलेक्ट्रिकल रेक्टिफायर। चलो तो इलेक्ट्रिकल रेक्टिफायर में अब आगे क्या है, आगे देख लेते हैं आगे क्या है। ओके चलो, ये डायग्राम है, ये डायग्राम आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी जैसे ये एक एसी सोर्स है जो 230 वोल्टेज है इसके पास और 50 हर्ट्ज है। तो ये 50 हर्ट्ज कौन सा ये है टर्म, कौन सा टर्म है ये, इसका नाम क्या है एक्चुअली? वेरी गुड, ये फ्रीक्वेंसी है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। सो यहाँ पे एक एसी करंट है, एसी इनपुट है जिसकी वैल्यू 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बच्चा लोग फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हेलो, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फॉर्म बाय पार्ट इन 1 second इज कॉल्ड एज, नहीं सुनाई दिया ड्यू टू नेटवर्क। 1 second, 1 second
platinum waves. Number of revolution or oscillation completed in 1 second. Okay, number of frequency. Okay, number of oscillation or revolution or bhi kuch hai? Or any of the motion that in per unit time. Okay, per unit time. Basically, हम लोग इसको represent करते हैं F equals to 1/T. ठीक है ना? ये F की जगह पे कभी कभी N भी use करते हैं. Okay. So, F is equals to 1/T, which is frequency, number of oscillation, which is per unit time, is said to be as a frequency. Okay. So, यहाँ पर ये तुम्हारी है frequency. और दिया हुआ है तुमको 230 वोल्ट. अब देखो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो गिड़बिड़ 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 दिख रहा है, ये जो है ये तुम्हारा कॉइल है. क्या है? कॉइल, COILS, कॉइल्स है. अब कॉइल्स के बीच में थोड़ी सी जगह है और उसके बाद एक और कॉइल्स है. तो एक और कॉइल्स है, इसका मतलब क्या हुआ? इस कॉइल्स को हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल और इस कॉइल्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल्स. ठीक है, ये जनरली ट्रांसफार्मर में यूज होता है. तो ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट विल सी बिट लेटर, थोड़ी बहुत दिन बाद देखेंगे. तो ये प्राइमरी, अभी इतना समझ लो कि इट इज प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी वाइंडिंग कॉइल्स एंड दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग कॉइल्स. अब यहां से जब एसी करंट फ्लो होता है तो ये पास होता है डायोड रेक्टिफायर से. डायोड रेक्टिफायर, डायोड ने क्या करना है? डायोड क्या करता है? डायोड सिर्फ उसको एक डायरेक्शन देता है, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन पे पहुंचाता है. बराबर है ना? ओके. जब डायोड एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन पे पहुंचाता है तो एट दैट टाइम व्हाट इट डज, इट इज कन्वर्टिंग योर एसी इनटू डीसी, एसी इनटू डीसी. अब देखो जैसे ही ये इधर कन्वर्ट करता है तो प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली कन्वर्ट कर देगा, पूरा का पूरा एसी टू डीसी कन्वर्ट कर देगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है. ऐसे कुछ डिवाइस, इधर कंपोनेंट्स लगे होंगे, यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स लगे होंगे जो एसी वाले होंगे, तो उनके पास वो एसी करंट भेज देता है. अब एसी करंट गलती से जो भेज देता है उसको फिल्टर जो है वो और फिल्टर करता है, उसको कन्वर्ट करता है डीसी में. ठीक है, अब वहां पे एक टर्म है, वो टर्म थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे. तो कंप्लीट डीसी फ्लो पास करता है, वोल्टेज रेगुलेटर उसको अरेंज करता है कि हाउ मच एक्सटर्नल लोड नीड्स अ वोल्टेज एंड दैट विल बी पास्ड ऑन एज अ कंप्लीट डीसी. आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट है, यहां पर भी अल्टरनेटिंग करंट है. डायोड से इधर पास हुआ तो ये तुम्हारा कौन सा है? ये रेक्टिफाई कर दिया इसने. ये कौन सा रेक्टिफायर है वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे. और फिर यहां से फिल्टर से जब हमने वोल्टेज रेगुलेटर पे देखा, स्टिल देखो आपको स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही, यहाँ पर अभी भी आपको थोड़ा कर्वी नेचर दिख रहा है. तो कर्वी नेचर को फ्लैट में करने के लिए यहाँ पे एक डिवाइस लगता है, वो डिवाइस हम जस्ट थोड़ा सा आगे देखेंगे और वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाता है. आई होप ये आपको डायग्राम समझ में आया. आया क्या? ओके, किसी को भी डाउट है तो प्लीज पूछो. चलो तो नेक्स्ट आ गया तुम्हारा क्वेश्चन रिपल. देखो दिख रहा है यहाँ पे रिपल. रिपल का मतलब क्या होता है? रिपल का मतलब यही होता है. देखो यही, ये अभी भी डिस्टरबेंस है कि नहीं है, इससे इधर आने में अभी भी देखो ये डिस्टरबेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिपल. रिपल अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो अभी आप ऐसे समझो कि अगर इफ आई एम टेकिंग अ ग्लास ऑफ अ वॉटर, ठीक है, मैं एक ग्लास ऑफ वॉटर लेता हूं और उसके ऊपर एक छोटा सा, वेरी छोटा सा, इतु सा एक ड्रॉप करता हूं. तो जैसे ही मैं ड्रॉप करूंगा ना तो होगा क्या, वो ऐसे ऐसे बना लेगा, ऐसे 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 ऐसे, आ रहे समझ में? ऐसे ऐसे बना लेगा. ये ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, लेकिन साइड से देखेंगे तो ऐसे ऐसे ऐसे. हेलो, ओके, सो वी गॉट डिस्ट्रैक्टेड समवेयर इन बिटवीन. ओके, सो रिपल का मतलब, वंस अगेन विल रिपीट इट, लाइक
एक छोटा सा सर्कल, फिर एक उससे बड़ा सर्कल, फिर उससे एक बड़ा सर्कल, फिर उससे बड़ा सर्कल एंड सो ऑन. ये हम ऊपर से देखेंगे तो पता चलेगा, हम साइड से देखेंगे तो ये एक्चुअली ऐसा है. ठीक है, ये आपको देखने को और कहां मिल सकता है, जैसे सपोज करो कि देर इज अ स्मॉल पॉन्ड या लेक वगैरह, वहां पे आपने एक छोटा सा पत्थर डाल दिया, तो आपको ऐसे फ्लक्चुएशन मिलेंगे. मिलेंगे क्या? हाँ सर. उसी को हम क्या बोलते हैं, रिपल बोलते हैं. रिपल, आर आई डबल पी एल ई, उसको हम रिपल बोलते हैं. एंड दैट इज समथिंग, टर्बुलेंस हो जाता. टर्बुलेंस इज मच मोर, टर्बुलेंस जो है ना वो बहुत ज्यादा हो गया. टर्बुलेंस इज हैविंग अ वेरी हाई वेलोसिटी, हियर इट इज वेरी लो. सो बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल अमाउंट में दिखता है. स्मॉल डिस्टर्बेंस वी कैन से इज सेड टू बी बेसिकली अ रिपल. नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग. आ जाओ, फिल्टर सर्किट. फिल्टर सर्किट, फिल्टर सर्किट क्या करता है, फिल्टर सर्किट आपको इसको कन्वर्ट करता है स्ट्रेट लाइन में. आई होप यू अंडरस्टूड दिस ऑल कंटेंट्स. कुछ भी नहीं समझ में आया है तो प्लीज पूछो. प्लीज पूछो अगर नहीं समझ में आया है तो. किसी को नहीं समझ में आया है तो प्लीज पूछो. है कोई कि आगे चलूं? हेलो हेलो. यस सर. ओके, सो रिपलिंग बेसिकली निकाल देता है फिल्टर सर्किट. रिपल जो है वो, रिपलिंग जो है वो निकाल देता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी एज अ फिल्टर सर्किट. एंड हम इस पर्टिकुलर ऑप्शन को या फिर वोल्टेज, ये पर्टिकुलर एक्शन को हम रिपल ये भी बोलते हैं कि लाइक काइंड ऑफ अ फिल्टर, फिल्ट्रेशन बोलते हैं, या फिर वोल्टेज रेगुलेटर इज रेस्ट्रिक्टिंग द इन द फॉर्म फिल्टरिंग और रेस्ट्रिक्टिंग द फ्लक्चुएशन एंड मेकिंग इट अ स्ट्रेट लाइन, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज योर rectifier. Let's move to the next. I hope this is clear to you. Okay, next is your half wave rectifier. अब हम उसके ऊपर आते हैं जो यहाँ पर circuits में हो रहा था. Basically देख लेते हैं पहले कहाँ क्या हो रहा था. तो मैं जो है वो यहाँ की बात कर रहा था. ये देखो यहाँ की ये portion, ठीक है. तो यहाँ पे रेक्टिफायर जो है कन्वर्ट हुआ है, तो वो रेक्टिफायर हम अभी हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे, तो वो कैसे आउटपुट देगा वो हम देखते हैं. ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम जो है वो हाफ वेव रेक्टिफायर का है. तो क्या बोलता है हाफ वेव रेक्टिफायर? हाफ वेव रेक्टिफायर वही सेम चीज बोल रहे हैं. यहाँ पे एसी इनपुट है, एसी इनपुट से लेट्स टेक अ वैल्यू विच इज 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज. 50 हर्ट्ज उतना अमाउंट ऑफ जो इनपुट है वो एसी वोल्टेज या एसी करंट जो है फ्लो हो रहा है. दिस इज अ प्राइमरी वाइंडिंग, एंड प्राइमरी वाइंडिंग वाया ट्रांसफार्मर इट इज मूविंग टू अ सेकेंडरी वाइंडिंग. सेकेंडरी वाइंडिंग के पास पहुंचने के बाद करंट जो है वो यहां से फ्लो होता है, डायोड के पास जाता है. डायोड के पास जाने के बाद ये लोड रेगुलेटर के पास जाता है. ठीक है, ये लोड रेगुलेटर के पास जाता है. अब क्वेश्चन आता है कि सर ये आप यहां से क्यों लेके जा रहे हो, यहां से क्यों नहीं लेके जा रहे हो? ठीक है, ये यहां से क्यों नहीं लेके जा रहे हो, यहां से क्यों लेके जा रहे हो? बिकॉज कि लोड रेजिस्टर, जो लोड रेजिस्टर है उसका टर्मिनल यहां पर पॉजिटिव है और यहां पर क्या है, नेगेटिव है. तो यहां पर जो है नेगेटिव में नहीं जा सकता, वो पॉजिटिव से ही जाएगा. सो व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम हियर इट इज पासिंग वाया डायोड. कौन सा डायोड है वो? पीएन जंक्शन डायोड से फ्लो हो रहा है. पीएन जंक्शन डायोड के वाया फ्लो हो रहा है, एंड लोड रेजिस्टर के तरफ जो भी मेरा आउटपुट है वो वोल्टेज आउटपुट दे देता है. अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है, देखो ये सर्किट. अब सर्किट में क्या बोलते हैं, ये आउटपुट में क्या बोलते हैं कि इनपुट वोल्टेज जो है वो आपका अल्टरनेटिंग था. ठीक है, इनपुट वोल्टेज जो था वो आपका अल्टरनेटिंग था, जहां पे फॉरवर्ड भी दिख रहा था, रिवर्स भी, फॉरवर्ड भी, रिवर्स भी. लेकिन आउटपुट वोल्टेज में आपका रिवर्स नहीं दिख रहा है. अब रिवर्स क्यों नहीं दिख रहा है,
कोई बता सकता है रिवर्स क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पर? एनीवन? I didn't get you once again, please. Due to diode rectifier, मतलब वो एक ही साइड पे चलने लगा ऐसा? नहीं, और कुछ? कोई और है जो अटेम्प्ट करना चाहता है? प्लीज, यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है ये पूछना है मुझे, यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है? यस प्लीज, यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है? इट इज अ वेरी शॉर्ट पार्ट, बहुत छोटा पीपीटी है, मैं खत्म करूंगा, बहुत ज्यादा है, वी आर टेकिंग अ टाइम नाउ. यस कम ऑन, व्हाई? जल्दी जल्दी बताओगे तो हम जल्दी जल्दी खत्म कर पाएंगे, अदरवाइज डिले होगा. यस एनीवन? नहीं पता सर, एसी धीरे धीरे डीसी में कन्वर्ट हो रहा तो वो एक ही लाइन का आ जाएगा ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसीलिए शायद से. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. और कुछ? एनीवन? ओके, as I told you when we were having a forward bias and a reverse bias, तो reverse bias में current flow हुआ था क्या? नहीं, लेकिन एक specific condition पे हुआ था. तो specific condition मतलब वो rectify, वो diode ही खराब हो गया था ना, ठीक है ना? तो यहाँ पर अभी वो reverse में गया तो दिखेगा क्या? reverse में गया तो output दिखेगा क्या? That's why यहाँ पे देखो रिवर्स में गया ना, ये मैं पहले बताया था जब आपको ये डायग्राम बता रहा था, तभी ये फॉरवर्ड ये रिवर्स, ये फॉरवर्ड ये रिवर्स, तो जब रिवर्स में जाएगा तो दिखेगा नहीं ना यहाँ पर डायोड के आउटपुट में, ये नहीं दिखेगा. एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट बीइंग सीन. और एज इट इज नॉट बीइंग सीन, देखो एक टीला दिख रहा है, फिर ब्लैंक है, फिर से टीला दिख रहा है, फिर ब्लैंक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर, ये कंप्लीट वेव नहीं कर रहा है ना, तो इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर. चलो ये तुमको बहुत जानना इंपॉर्टेंट. हाँ बोलो 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 बोलो. सो पार्डन, बोलो. दिस आउट वोल्टेज वाला. ओके, वोल्टेज वाला, देख यही वाला बोल रहे हो ना, यही पूछ रहे हो ना? हाँ हाँ. ओके, सो यहाँ पर देखो कैसा है, ये पोर्शन जो है दैट इज अ फुल फॉरवर्ड वे, फॉरवर्ड बायस, फिर रिवर्स बायस, फिर फॉरवर्ड बायस, फिर रिवर्स बायस. ये तो इनपुट वोल्टेज है, बराबर? तो इनपुट वोल्टेज में तो ये दिख रहा है, लेकिन जैसे ही डायोड से पास होता है वैसे ही फॉरवर्ड बायस का तो दिखता है, लेकिन रिवर्स बायस का नहीं दिखता है. रिवर्स बायस का क्यों नहीं दिखता है? बिकॉज रिवर्स बायस कंडीशन में करंट क्या आउटपुट मिलता है क्या? नहीं सर. वेरी गुड, मजा आ गया. वेरी गुड, तो ये अंडरस्टूड हो गया. चलो ये इंपॉर्टेंट है आपको अंडरस्टैंड करना. दिस इज मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर कितना होता है? 40.6%. ठीक है, आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर कितना है? 40.6%. चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, अब फुल वेव रेक्टिफायर देख लेते हैं. फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता होगा, एक गैस मारते हैं. चलो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता होगा ये आउटपुट में? यस एनीवन? एक के बाद जो गैप है उसमें भी होता होगा. वेरी गुड, हाँ बस खत्म हो गया. तो अच्छा चलो, तो ये फुल, ये जो गैप है उसको भी अगर भरना है तो इस सर्किट डायग्राम में क्या चेंज करना होता होगा सबको? चलो एक मैं दो मिनट देता हूं, इस सर्किट में कुछ तो चेंज करो कि ये भी भर जाए. ठीक है, ये भी जगह भर जाए, ऐसा कुछ चेंज करो सर्किट में. बुक में मत देखना, ठीक है, अपना दिमाग लगाना कि यहां पर जो है वो कैसे ये जगह भर जाए. We have to make sure that this does not undergo this reverse bias. Does not go under reverse bias, which is not possible only, right? Possible कैसे है? अगर एक diode से pass हो रहा है current, तो definitely that will go under reverse bias.
चलो मैं आपको हिंट देता हूं, एक और डायोड लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, एक और डायोड लगाना पड़ेगा, लेकिन लगाओगे कैसे, ये सर्किट डायग्राम बना, इस सर्किट डायग्राम को कंप्लीट करो बाय एक और डायोड लगा दो। चलो आपको टाइम दिया कि एक और डायोड लगाना है, कैसे लगाना है वो सर्किट डायग्राम में लगा के बताओ। अगर हम लोग ने डायोड नीचे बी के स्ट्रिंग में लगा, बी के लाइन पे, नीचे, तो करंट भी जाएगा नीचे, नहीं सौम्या, सौम्या नहीं, शिवानी, शिवानी आप क्या करोगे, बुक में इस डायग्राम को बनाओगे और एक और डायोड कहाँ लगा के मेरे को दिखाओ वीडियो ऑन करके। बी के लेवल में, बी, हाँ बी के लेवल में होने दो, सी के लेवल में होने दो, आप बुक में ड्रॉ करके मेरे को बताओ। एवरीवन ड्रॉ इन अ बुक कि कहाँ पे एक डायोड लगाओगे कि ये फुल वेव बन जाएगा। जिसका भी हो गया वो वीडियो ऑन करके मुझे दिखाए। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि लोग भाग गए, इतना बोर कर रहा हूं मैं, सॉरी। शिवानी बट मुझे बताओ कि आपने जो किया है, आपने क्या किया है, मैं अपने डायग्राम में बताता हूँ। आपने यहाँ पे एक डायोड लगा दिया, बराबर शिवानी, आपने यहाँ पे एक डायोड लगा दिया। द मोमेंट यू विल पुट अ डायोड हियर, आप अपना डायग्राम रखो, हाँ वैसे ही रखो, मेरे को देखना है साथ में। तो यहाँ पे आपने डायोड लगा दिया तो करंट जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा, इधर जाना है कि इधर जाना है। हाँ, वो भी है। अरे तो थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोच के मेरे को बताओ, करंट को कंफ्यूज नहीं करना है। कोई और है? वेरी गुड शिवानी, बट एटलीस्ट यू हैव अटेम्प्टेड। आई एम नॉट सीइंग द पीपल हु हैव अटेम्प्टेड आल्सो। चलो मैं ही बता दूं क्या, हाँ सर,
ओके चलो चलो तो विल हैव अ एक चलो यस सो फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट ये ऐसा हो गया ठीक है. अब इसको समझते हैं पहले कि हो क्या रहा है कैसे जा रहा है करंट और कैसे क्या हो गया. इसको ऐसे सेट किया गया है कि देखो ये एसी करंट है एसी करंट से तो यहाँ से फ्लो हुआ ये प्राइमरी सर्किट से इधर चला गया इधर जाने के बाद करंट यहाँ से फ्लो हुआ ये डायोड के वाया पास हुआ ये डायोड के वाया पास होने के बाद करंट यहाँ पे दिख जाता ठीक है. एट द सेम टाइम करंट यहां से पास होता है जब करंट यहां से पास होता है तो हाउ इट इज पास सॉरी करंट यहां से पास होता है सॉरी यहां से इट इज पासिंग वाया दिस. So when it is passing via this, at that time how it is passing? So it has a condition that when this will go in a reverse bias condition, this diode 2 will go in a forward bias condition. Soumya, you were partly correct. ठीक है sorry Shivani. So Shivani, you were partly correct. So the diode से ये current से pass इधर से pass हो रहा है और फिर current यहाँ से pass हो रहा है. यहां से जब नेगेटिव में जा रहा है नेगेटिव का मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हो रहा है ये नेगेटिव में जा रहा है मतलब तो यहां पे देखते हैं. जब डायोड वन ऐसा था ठीक है डायोड वन से ऐसे पास हुआ तो डायोड टू से ऐसे पास हुआ ठीक है. अंडरस्टूड ये समझ में आ रहा है. हेलो गुड मॉर्निंग. ओके और जब डायोड वन से ऐसे पास हुआ ये डायोड वन लिख देता हूं मैं तो डायोड टू से ऐसे पास हुआ. समझ में आ रहा है ये डायोड टू है. जब डायोड वन से फिर से ऐसे पास हुआ तो डायोड टू से ऐसे पास हुआ फिर डायोड वन से ऐसे पास हुआ तो डायोड टू से ऐसे पास हुआ. तो जब ओवरऑल इफेक्ट आप देखोगे तो यहां पर इफेक्ट कैसा आएगा यहां पर ऐसा 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 कौन कौन सा दिखेगा ये पहले ये दिखेगा फिर ये दिखेगा फिर ये एंड सो ऑन. डिड यू अंडरस्टूड गाइस एवरीवन? नो सर. डिडंट अंडरस्टूड? नो. नो ओके वेरी गुड. वंस अगेन यहां से करंट जब पास होता है इसके पास जब करंट आता है तब करंट जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होगा यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल होगा. ये अंडरस्टूड है सबको? यस सर. हाँ तो जब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट पास होगा तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से पास होगा मतलब क्या है यहाँ पे रिवर्स बायस चलता रहेगा यहाँ फॉरवर्ड बायस चलता रहेगा बराबर. जब यहाँ हाँ जब यहाँ पे रिवर्स चलेगा तब यहाँ फॉरवर्ड चलेगा. यस सर. व्हाट? वंस अगेन आई एम कमिंग टू दिस. ये ऐसे नहीं 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 रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा तू मत बोल नहीं तो थोड़ा सा भी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा. ये डायोड वन है ये डायोड टू है ठीक है. ये समझ में आ रहा है शिवानी? हाँ सर. हाँ तो देखो ये डायोड टू है. अब डायोड वन जब फॉरवर्ड बायस में था तो डायोड टू जो है वो रिवर्स में था बराबर. सर बट रिवर्स बायस में तो करंट फ्लो नहीं होता था. फ्लो नहीं होता है बराबर बराबर. तो फ्लक्चुएशन जब रहेगा आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लक्चुएशन डायोड से पार नहीं होता है. डायोड तक पहुंचा किधर अभी? डायोड तक पहुंचा नहीं ना बेटा. तो यहाँ पे करंट जो है वो फॉरवर्ड में चल रहा है जो ऐसा और इसको हमने ऐसे अरेंज किया कि ये वाला टर्मिनल यहाँ पर जब इसका जब डायोड वन का फॉरवर्ड चलता रहेगा तब डायोड टू का रिवर्स चलता रहेगा ठीक है. और फिर डायोड वन का जब रिवर्स चलेगा तब डायोड टू का फॉरवर्ड चलेगा ठीक है. हेलो सर ये प्रोसेस जो कंडक्टर हम लोगों ने अटैच किया उसमें होगा डायोड में नहीं? ये जो करंट ये लाइन है ना ये लाइन में करंट फ्लो हो रही है. हाँ
ये लाइन में करंट फ्लो हो रही है, ये लाइन में भी करंट फ्लो होगी, ये लाइन में भी करंट फ्लो होगा, और ये दोनों लाइन में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? एसी करंट फ्लो हो रहा है। ओके 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 आप समझ गए। क्लियर है? और किसी को कुछ तकलीफ है? फिर आउटपुट मेरे सॉरी फिर आउटपुट मुझे कैसे मिलेगा? ऐसे एनीवन एल्स हैज एन इशू? किसी को है क्या? आगे चलूं? हाँ सर। अच्छा चलो आगे चलता हूँ। आगे क्या है भाई? तो आगे बोलता है ये देखो, ये ऐसे आउटपुट वोल्टेज क्या बोलता है? डायोड वन इज परफॉर्मिंग अ पॉजिटिव सॉरी फॉरवर्ड, डायोड टू इज परफॉर्मिंग अ फॉरवर्ड हियर, डायोड वन इज परफॉर्मिंग फॉरवर्ड हियर, डायोड टू इज परफॉर्मिंग फॉरवर्ड हियर। तो टोटल का आउटपुट कैसा आ गया? देखो ये फॉरवर्ड, ये हो गया तुम्हारा फुल वेव रेक्टिफायर। आया समझ में? यस सर। आपको समझा? ये तुम्हारा आउटपुट है, फाइनल आउटपुट। तो दैट इज योर फुल वेव रेक्टिफायर। अच्छा अब एक और चीज समझ लो, चलो आगे चलते हैं। क्या हो गया भाई इसको? ये क्लियर कैसे होगा? क्लियर ऑल ड्रॉइंग। ओके अब देखो आगे चलते हैं। ये आगे आगे इसमें देखो क्या बोलता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर कितना है? 81.2%। ठीक है 81.2%। और पीछे हमने कितना देखा था? कितना देखा था? 40.6। और उसका 40.6, हाँ 40.6 को डबल किया तो कितना होता है? 80.2। इसका मतलब देखो क्या हुआ, फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर से फुल वेव रेक्टिफायर में मुझे एफिशिएंसी कितनी मिल गई? डबल। कितनी मिल गई? डबल मिल गई। डबल मिल गई कि नहीं मिल गई? सबको मिली? सबको मिली क्या? हाँ सर। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो नेक्स्ट इज योर एडवांटेज। अब क्या होगा एडवांटेज फुल वेव रेक्टिफायर का? कोई बता सकता है फुल वेव रेक्टिफायर का एडवांटेज क्या होगा? अरे सबसे पहला एडवांटेज तो हमको डबल एफिशिएंसी मिल रही ना। डबल एफिशिएंसी मिला सर सबसे पहले। फास्टली काम करेगा बेसिकली, हमको आउटपुट जो है वो फुल रेक्टिफिकेशन मिलेगा, सारे वेव्स मिलेंगे, है ना? हमको आउटपुट में सारे वेव्स मिलेंगे, ठीक है? और हम रिपलिंग जो है इसके अंदर रिपलिंग कम, इसमें रिपलिंग कम होता है एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। तो तीन एडवांटेज है इसके अंदर। पहला कौन सा एडवांटेज है? एफिशिएंसी इज डबल। फुल वेव रेक्टिफायर में एफिशिएंसी कितना है? डबल है, ठीक है? सेकंड एडवांटेज, द रिपल इफेक्ट इज लेस इन फुल वेव रेक्टिफायर। रिपल इफेक्ट क्या है? लेस है इन फुल वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्या है? रेक्टिफिकेशन आपका होता है विथ अ फुल साइकिल। मतलब क्या हुआ? देखो दोनों साइड से आता है ना, ये वाला साइकिल और ये वाला साइकिल दोनों दिख रहा है ना। अरे हाँ ना बोलो। वेरी गुड। सो थ्री एडवांटेजेस आपको समझ में आ गए? यस सर। चलो तो अब आगे चलते हैं। बस ये लास्ट टॉपिक है आज का। क्या है? रिपल फैक्टर। अभी रिपलिंग आपने पता चल गया आपको रिपल क्या है, ठीक है? तो रिपलिंग फैक्टर बेसिकली रिपलिंग को हम फॉर्मुलेशन में कैसे देखते हैं। पहले तो ये डायग्राम तो आपको समझ में आ ही गया होगा रिपलिंग का मतलब क्या है। रिपलिंग का मतलब फ्लक्चुएशंस है, ठीक है? विद इन दिस वोल्टेज इट इज गेटिंग रिपल्ड। और ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? डीसी का वोल्टेज। ये लाइन पे मतलब बेसिकली स्ट्रेट लाइन, ठीक है? ये तुम्हारा जीरो वैल्यू है, समझना ये जीरो है, ठीक है? ये जीरो है और यहां से स्ट्रेट लाइन अगर रहेगा तो डीसी वोल्टेज जा रहा है, और अगर यहां से तुम्हारा फ्लक्चुएशन है तो एसी वोल्टेज विद रिपलिंग है, थोड़ा रिपल है। चलो देख लेते हैं
इफेक्टिवनेस क्या बोलता है, इफेक्टिवनेस ऑफ रेक्टिफायर डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड। अगर आपका रिपलिंग कम है तो आपका डिवाइस अच्छा है या खराब है? अगर आपके डिवाइस अच्छा है तो वेरी गुड, वेरी गुड, तो अच्छा है। तो अगर आपका रिपलिंग कम रहेगा तो आपका डिवाइस अच्छा रहेगा। तो इफेक्टिवनेस ऑफ रेक्टिफायर डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ द रिपल कंपोनेंट इन इट्स आउटपुट। एंड नाउ द लास्ट वन इज दिस रिपल फैक्टर। क्या है? आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट। आरएमएस मतलब हमने यहाँ पे देखा था, पता नहीं तुमको याद है कि नहीं, अरे बहुत ज्यादा आ गया, रूट मीन स्क्वायर। यहाँ नहीं, यहाँ पे याद है, ये देखो यहाँ लिखा है, देखो आरएमएस, समझ में आ रहा है? ये आरएमएस लिखा है ना, यही इनपुट है सब जगह पे, यहाँ पर भी वही इनपुट था, फिर फुल वेव रेक्टिफायर में भी वही इनपुट था। तो आरएमएस क्या बोलता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट अपॉन वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट। वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट बेसिकली आउटपुट ऑफ अ डीसी कंपोनेंट। एकदम लास्ट में जो आउटपुट मिलेगा वो हमको क्या बताएगा, रिपल फैक्टर बताएगा। समझा कि नहीं समझा? Yes, समझा सर, पक्का समझा? ओके, तो चलो आज का, आज की कथा समाप्त हुई। अब हम मिलेंगे वापस से, तो हम आगे का पढ़ेंगे कि फिल्टर सर्किट क्या होता है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर में जो फिल्टर लगता है उसको क्या बोलते, वो क्या होता है, कैसा होता है, पीएन जंक्शन में जंक्शन ब्रेकडाउन क्या होता है। सो मेनी थिंग्स विल बी ऑन दिस रीडिंग इट। ठीक है, समझ में आया सबको आज? पक्का? यस सर। हाँ, तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, वो क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप रहेंगे, वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में दिखाना है। ठीक है, ठीक है सर, ओके फाइन, ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑल, इट वॉज अ